जय हिंद एवरीवन। आज कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट मैंने कल पढ़ाया था, जहां पे मैंने फर्स्ट टाइप पढ़ाया था पैटर्न बेस्ड, उसको पढ़ना जरूरी है तभी इस वीडियो को देखना। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, यानी कोडिंग डिकोडिंग को एंड कर लेंगे। फिर आप एक नंबर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से लेकर आ सकते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप जैसे एग्जाम में, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट देखने के बाद। तो चलो ये सवाल बना के दिखाओ, फिर हम टाइप टू की तरफ चलते हैं। तो ये टाइप टू का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे लिखा हुआ है NOIDA नोएडा। नोएडा को कोट किया गया 39658 से, ठीक है। तो इंडिया का कोड क्या होगा INDIA, इंडिया का कोड क्या होगा। देखो, समझने वाली बात ये है कि इस तरह क्वेश्चन में टाइम लगता है, आप लोग टाइम लगाते हो, सिर्फ एक सेकंड लगेगा टाइम, एकदम नोट कर लो, एक सेकंड टाइम लगेगा और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए नज़रिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए। हम क्या करते हैं ऐसे सवाल को, ये टाइप टू है, क्या है, टाइप टू है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नज़रिया थोड़ा बदलना होगा। कैसे बदलेंगे, ये अगर इंडिया है ना, तो आप क्या करते हो, ऊपर में कोड लिखते हो, एन का कितना होता है, MN, बोलो MN, 13 14, तो MN कितना होगा, 14, M का कोड 14 होगा, ठीक है। O का कितना होगा बताना, तो सर O का कोड 15 होगा, I का 9, D का 4, A का 1। तो हम देखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इससे मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, नोएडा का क्या है, फिर O, कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा, जरा देखना 1 8, ना तो फॉरवर्ड पैटर्न बैठ रहा, ना तो रिवर्स पैटर्न बन रहा, कोई भी पैटर्न इसे मैच नहीं कर रहा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे ना तो आपको अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। आप देखो कि एन को किससे कोड किया गया है, 3 से, तो यहाँ पे एन का कोड क्या है, 3 है, ठीक है। आई को कोड किससे किया गया है, 6 से, आई का कोड क्या है, 6 है। डी को किससे कोड किया गया है, डी का कोड क्या है, 5 है। आई का कोड क्या था, 6 था, आई का कोड 6 था, 6 लिख दिए। और ए का कोड कितना है, 8 है, बस ए का कोड 8 लिख दिए। ऐसे बनते हैं ये सवाल, ठीक है। लोग टाइम दे देते हैं, इसमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक सवाल देखो, लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, PREMA, प्रेमा। प्रेमा को लिखा गया है 96731 से, प्रेमा को लिखा गया 96731 से, तो हमारा रामा का क्या होगा, RAMA, रामा का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट कोड किया गया है, आपको अल्फ़ाबेट की तरफ ध्यान देना है कि R का कोड क्या है, तो R का कोड देख रहे हो यहाँ 6 है, 6 लिख दो। A का कोड क्या है, A का कोड सर 1 है, 1 लिख दिए हम। M का कोड क्या है, M का कोड सर 3 है, 3 से कोड किया गया है, हम 3 लिख दिए। और यहाँ A का कोड क्या है, 1, तो A का कोड 1 हो गया। ऐसे बताओ, एक सेकंड टाइम लग रहा है, एक सेकंड से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक इसी पे एक और सवाल आपको देते हैं, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें ये नंबर को कोड करने के अलावा जो है ये अलग अलग सिंबल यूज किया गया कोडिंग के पर्पस पे, ठीक है। तो इसे बताना, सेम टू सेम वही पैटर्न आप सॉल्व कर सकते हो, कर लोगे सॉल्व, बोलो भाई, बोलो, अपने से आवाज़ निकालो, अंदर की आत्मा से आवाज़ निकालो, तभी कुछ हो पाएगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, समझो कैसे सॉल्व होगा ये, पहले देखो, पहले मार्क कर लो, एस कहाँ है, सर एस यहाँ है, टी कहाँ है, सर टी यहाँ है, ए कहाँ है, सर ए यहाँ है, जी कहाँ है, सर जी यहाँ है, ई कहाँ है, सर ई यहाँ है, ई कहीं पे है, ई यहाँ पे, सबका कोड लिख लो। जी का क्या है, परसेंट, जी का क्या है, पहले एस आता है ना, एस का क्या है, सर एस का है स्टार, एस का कोडिंग कहाँ चला गया, स्टार की तरफ। सर टी का कोडिंग कहाँ है, तो टी का कोडिंग कहाँ है, ये 4, सर टी का कोडिंग 4 है। ए का कोडिंग सर क्या होगा, ए का कोडिंग क्या होगा बेटा, तो ए का कोडिंग सर 8 होगा, 8 लिख दिए, ठीक है। अब जी का कोडिंग क्या होगा, जी का कोडिंग हमारा परसेंट है, तो परसेंट हो गया। और ई का कोडिंग क्या, टी ई, तो 4 5, ये हमारा ई का कोडिंग हो गया, ई का कोडिंग हमारा ये हो गया, स्टार 4 8 परसेंट 5, ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन टाइप सेकंड जो है इस तरह का है। अब हम चलते हैं टाइप थ्री की तरफ। तो देखो ये हमारा टाइप थ्री, और टाइप थ्री का क्वेश्चन है, टाइप थ्री का क्वेश्चन हम सोचते कैसे है, यहाँ पे हम घबरा जाते हैं, देखते हैं कि इतना सारा लेटर लिखा हुआ है और इसका कोडिंग मात्र 79, कैसे पॉसिबल है, इतना सारा लेटर है, सबका कोडिंग 79 कैसे पॉसिबल है।
तो ऐसे क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम ना तो पोजीशन देखेंगे ना तो पैटर्न देखेंगे, हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, ये 79 आया कैसे होगा। ठीक, अगर हम सबका कोड लिखते हैं, जैसे हम एस का कोड कितना होता है बताना, एस टी, सर टी का 20 तो एस का 19 आपने लिख दिया 19। यू का कितना होता है, यू भी सर अल्ट्रा वायलेट 21। सर पी का कितना होता है, पी 16 पटना 16। ठीक है, ई सर ई तो 5 आप जानते हैं, और आर एस टी आर का 18, जब एस का 19 है तो आर का 18, और सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, और सबको जोड़ने के बाद आपका आएगा 79। 8 + 5 = 13, ये 6 + 6 = 9 79 जोड़ने के बाद आएगा, आप जोड़ के देख लेना। तो 79 आया, तो आप ऐसे सॉल्व करोगे, यानी कि सर इसको भी जोड़ेंगे तो हम 97 आएगा, बिल्कुल जोड़ोगे तो आप 97 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन है उसको लिख कर और ऐड कर दो। तो देखो एल का कितना होता है, एल फॉर लव, एल का होता है 12, ए का 1, बी का 2, ओ का क्या होता है, ई जे टी ओ, क्या होगा ओ का बताना, ओ का सर 15 लिखवाए थे ना, ई जे ओ, तो 5, 10, 15, तो ई ओ का 15, ओ का आपने लिख दिया 15। यू से अल्ट्रा वायलेट रे, यू यू का 21, यू का 21, ठीक है, और आर से 18, सबको जोड़ो, सबको जोड़े आप, 8 × 9, ठीक है, 9 × 14, और 14 × 2 = 16, 16 × 1 = 17, 17 × 2 = 19, 19 × 9, हाथ मेरा 1, 2, 1, 3, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, और 5 × 1 = 6, तो सर 69 हुआ आंसर। आया बात समझ में, 69 इसका आंसर होगा। अब इसी पे एक और सवाल देता हूँ आपको, जो आप खुद से करके आना, एक सवाल आपको देता हूँ, या आप सवाल है या आप खुद से इसको सॉल्व करो, रोको पॉज करो वीडियो को और ऑप्शन बी टिक करो, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 4 के तरफ। तो टाइप 4 एक कॉन्सेप्ट है, और टाइप 4 है अपोजिट लेटर्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मे बी क्वेश्चन ना भी आ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, हो सकता है आ जाए तो आप सॉल्व कर लोगे। इसमें लोगों को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, सर कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। जैसे पहले मैं एक क्वेश्चन ही देता हूँ आपको, मान लिया जाए मैंने लिखा किंग, KING, ये किंग है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, किंग, किंग को हम कोड किए हैं PRMT से, तो आप बताना रेल का कोडिंग क्या होगा, RIL रेल का कोडिंग क्या होगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या देखोगे, आप पोजीशन देखोगे, और पोजीशन नोट डाउन भी करोगे, K11 किंग्स 11, I का क्या होता है 9, N का क्या होगा MN 13 14 14, और G का G7 H8, ठीक है, P से 16, R से 18, M से 13, T से 20, ये कोडिंग है, कोड कर लिया। अब जरा देखना, कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है, 11 से 16 कैसे बन गया, 11 से 18 बन पाएगा, हमने क्या जोड़ने की कोशिश किया, 5, तो 9 में 5 जोड़ते तो 14 होता है, 18 है यहाँ पे, 14 में 5 जोड़ेंगे तो कुछ और हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो ये ना तो कोडिंग बैठ रहा है, कोई पैटर्न पे सेट नहीं हो रहा है। और अगर हम सोच रहे हैं कि के का कोड है पी, तो यहाँ पे कोई के है ही नहीं, कैसे कोड कर पाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे टाइप 4 जिसको कहते हैं अपोजिट लेटर्स, हमें अपोजिट लेटर्स समझना पड़ेगा। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ए का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट लेटर उसको कहते हैं जिसको दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। जैसे ए का पोजीशन तो 1 है, जेड का पोजीशन कितना है 26, और दोनों को जोड़ेंगे तो 27 कितना आना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो ये अपने आप में क्या कहलाएंगे, अपोजिट लेटर कहलाएंगे, ठीक है, अपोजिट लेटर कहलाएंगे, ये अपोजिट लेटर्स हैं। तो सर बहुत सारे अपोजिट लेटर्स हैं, तो ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट है। जैसे के का कितना है 11, तो पी का 16, अब 16 और 11 को जोड़ोगे तो अपने आप में कितना होगा, सम सर 27 होगा, 27 होगा। आई का 9 है 18, 18 9 कितना होगा, 27 होगा। तो सर ये अपोजिट लेटर है, तो सर आर का अपोजिट क्या होगा, सोचना पड़ेगा आपको कि आर अपने आप में आर 18 होता है, तो आर का अपोजिट आई होना चाहिए, तब तो 27 होगा। तो देखो अभी इसको नोट डाउन करना और याद करना तो बहुत टफ हो जाएगा, इसको कोडिंग करके आई का अपोजिट लिखेंगे, ए का जब अपोजिट लिखेंगे, एल का अपोजिट लिखेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा। आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप बहुत आसानी से आप अपोजिट लेटर्स को याद कर सकते हैं। तो बेटे अपोजिट लेटर याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, और ट्रिक को रटना नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बोल देना 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। ए का अपोजिट जेड आप जानते हैं, जैसे ही बी का अपोजिट होता है वाई, क्योंकि बी का लेटर होता है पोजीशन 2, और वाई का कितना होता है 25 25 और 2 27, तो बी का वाई होता है तो क्या बन गया, बाई, याद रखना कोड को याद रखना, बाई। सी से होता है एक्स, सी का एक्स होता है तो क्या बन गया, 6, सी एक्स का मतलब 6। बी डब्ल्यू डी यू, ई वी इवनिंग, साथ में बोलो ई वी, बोलो बोलो ई वी इवनिंग, ई वी इवनिंग। एफ यू
4 GT रोड, HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, JQ जंगल क्यून, KN कानपुर, LO लव, MN मैन। याद करो HS सर हाई स्कूल, KN सर कानपुर, MN सर मैन, LO सर लव। याद करो ऐसे HS हाई स्कूल, IR इंडियन रेलवे, सर GT रोड। अब मैं आपको इसको बस 5 बार पढ़ना, कितना टाइम पढ़ना है, 5 टाइम्स पढ़ना है। आप यकीन मानो सारा का सारा अपोजिट डेटर आपको अच्छे से याद हो जाएगा सर 5 टाइम्स। जैसे हम आपसे पूछूं एच का क्या होगा अपोजिट, तो सीधे याद होगा सर हाई स्कूल, ठीक है। जे का सर जंगल क्यून, जे का क्यू, ठीक है, याद ऑटोमेटिक आते रहेगा। सर डी का सर ड्यू, तो याद तो आ रहा है, तो ऐसे ही आप याद करते रहना और याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मुझे बताना क्यू का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अगर जे का अपोजिट क्यू होता है तो सर क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। तो ये आपको याद करना, कॉपी में नोट कर लो, बस 5 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा अभी का अभी, ठीक है। अब देखो वो जो सवाल था हमारा, वो सवाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ये अभी इसको मिटा देते हैं, देखो हमारा यही सवाल था, हमारा सवाल क्या था, ये था सर KING किंग को आपने नोट किया था, है ना, IRMT। तो सर किंग का जब ऐसे कोडिंग था तो रेल का क्या होगा, RAIL, रेल का यही हो क्या होगा। तो देखो अब आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हो, सर KP यानी कि इसका अपोजिट है कानपुर, सर IR इंडियन रेलवे, सर MN मैन, सर GT रोड। बहुत ही आसान है, अपोजिट लेटर है, तो बताना जरा R का क्या होगा। तो अभी मैंने आपको रटवाया था R का अपोजिट क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, सोचो सर। इंडियन रेलवे याद करो, इंडियन रेलवे आई, और A का तो Z हम जानते हैं, I का फिर इंडियन रेलवे, L का सर लव, LO लव। तो ये हमारा IZRO आंसर हो गया। फिर देखो इसी से रिलेटेड एक सवाल आपको दे रहा हूँ, आप इसको बना कर लेकर आना, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और कोडिंग डिकोडिंग पार्ट खत्म हो गया। अब मैं आपको क्या करूँगा, प्रैक्टिस के लिए ग्रुप में PDF सेंड करने वाला हूँ आज। तो मैंने आपको टेंस दिया था, टेंस आप सभी ने कंप्लीट कर लिया है, परसेंटेज का लेक्चर आज जाने वाला है, पूरा का पूरा पढ़ना होगा आज किसी भी हाल में, और रीजनिंग बच्चे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, और वीडियो एक हो सकता आज लाओ, नहीं तो फिर कल लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।